उधर बिहार के बघा में पानी पानी हुआ एसएसबी कैंप। नेपाल में हुई बारिश से क्यों भयभीत हैं बिहार का रक्सौल और यूपी का महाराजगंज, और मुंबई में बारिश ने फिर कैसे बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मानसून से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मूसलाधार कहर। बिहार के बघा की ये तस्वीर है जहां बारिश की वजह से गंडक नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से हाहाकार मच गया। कई प्रखंड में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। एसएसबी कैंप के अंदर 3 फीट तक पानी भर गया है। नेपाल में भारी बारिश से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा अभी से मंडरा रहा है। गंगा में मिलने वाली नेपाल की सभी नदियां उफान पर हैं। बिहार के रक्सौल में गाद नदी और सिरिस्वा नदी के हाहाकारी रूप को देखा जा सकता है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंडक समेत 3 नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई गांवों में नदी का पानी घुसने लगा है। ऊपर से रुक रुक कर हो रही बारिश ने भी लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई में मंगलवार को शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। सुबह से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी है। निचले इलाकों में फिर पानी भर गया है। हर तरफ पानी ही पानी, बारिश से जलभराव की ये तस्वीरें मुंबई के लोअर परेल इलाके की हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी भर चुका है। लोग जहां तहां फंसे हैं। बीएमसी पंप के जरिए पानी निकालने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति जस की तस बनी हुई है। हर बार की तरह मुंबई का हिंद माता इलाका आज भी बारिश से बेहाल है। सड़कें तालाब बन गई हैं और बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया है। हालांकि बारिश के दिनों में वाटर लॉगिंग यहां आम बात है, लेकिन इस बार बीएमसी ने ऐसी कोई समस्या न आने देने का दावा किया है। मुंबई में बारिश की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आज भी गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। हल्की बारिश के बावजूद स्लो मूविंग ट्रैफिक रहा। कई इलाकों में लोगों को जाम से भी रूबरू होना पड़ा। मौसम विभाग ने 17 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के कई शहरों में आज भी बारिश जारी है। हुबली में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कोरोना के खतरे के बीच बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोग घर में सिमटे हैं। हालांकि कर्नाटक में अब मानसून की गति धीमी जरूर पड़ी है। चंडीगढ़ में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश से मौसम काफी खुशनुमा हो चला है। इससे शहरवासियों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में अगले और 48 घंटे तेज बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।